साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं अपने तीन सेगमेंट्स के जरिए, जो कि हैं विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों ही सेगमेंट्स में होती हैं कुछ ऐसी खास जानकारियां जो कि आपके लिए काफ़ी सहायक साबित हो सकती हैं। तो आइए अपने आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। किसान भाइयों बहनों, जब कोविड-19 ने दस्तक दी तब पूरी दुनिया थम सी गई, लेकिन ऐसे में लखनऊ स्थित गन्ना अनुसंधान संस्थान ने अपनी जिम्मेदारी को समझा और लोगों तक ताजे फल और सब्जियों की कमी नहीं होने दी। आइए दिखाते हैं आज इसी पर आपको एक खास रिपोर्ट। किसी भी कारोबार की धारणा मुख्य रूप से दो बातों पर टिकी होती है, बेचना और खरीदना। कोरोना संकट के दौरान सभी कारोबार ठप हो गए थे, लेकिन खेतीबाड़ी ने सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों को बनाए रखा। वजह ये थी कि इंसान भले ही काम न कर रहा हो, भूख तो उसे फिर भी लगेगी। लखनऊ का शुमार बड़े शहरों में होता है। कोरोना के कारण उत्पन्न हालात को देखते हुए यहाँ के लोगों को ताजे फल और सब्जियां उपलब्ध कराना बड़ी चुनौती का काम था। ऐसे में यहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र और गन्ना अनुसंधान संस्थान ने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया और कुछ किसानों को मिलाकर एक कृषक उत्पादक संगठन यानी FPO बना डाला। इस पहल के दो फायदे हुए, किसानों को अपना सामान बेचने के लिए बेहतर बाजार मिल गया और शहरवासियों को समय पर ताजे फल और सब्जियां मिलती रही। इस संकल्पना के पीछे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निदेशक डॉक्टर DK पाठक का दिमाग काम कर रहा था। संगठन बनाने के लिए किसानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना जरूरी था। कोरोना के कारण ये काम मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, इसीलिए जन्म हुआ एक व्हाट्सएप ग्रुप का। ग्रुप में लखनऊ जिले के कई किसानों को शामिल किया गया। संस्थान ने सबसे पहले एक किसान मुकेश को आपूर्ति के लिए प्रोत्साहित किया। ये बात 1 अप्रैल 2020 की है, तब देश भर में लॉकडाउन लगा हुआ था। बहरहाल गांव से फलों और सब्जियों को लखनऊ शहर तक ले जाने के लिए KVK के वैज्ञानिकों ने जिला प्रशासन से कोविड-19 वाहन पास की व्यवस्था कराई। एक बार जब ये प्रक्रिया शुरू हो गई तो खरीदारों ने व्हाट्सएप ग्रुप पर अपनी मांगे भेजनी शुरू कर दी और मुकेश कुमार ने उन उपभोक्ताओं की जरूरतों के हिसाब से पैकेट बनाकर वस्तुओं की आपूर्ति शुरू कर दी। उन्होंने उपभोक्ताओं से कहा कि वो संस्थान के कॉलोनी गेट से फल और सब्जियों के पैकेट इकट्ठा करके ऐप या इंटरनेट के जरिए कैशलेस भुगतान करें। लॉकडाउन के दूसरे चरण में मुकेश को एक FPO के साथ जोड़ा गया। मुकेश कुमार और शिव कुमार दोनों ने संयुक्त रूप से लखनऊ शहर के अलग अलग रिहायशी इलाकों में मोबाइल वाहनों के जरिए ताजे फलों और सब्जियों को बेचना शुरू किया। इसके लिए उन्होंने FPO के सदस्य किसानों के खेतों से रोजाना ताजे फल और सब्जियां खरीदी और उचित ग्रेडिंग के बाद उन्हें टोकरी में रखकर आपूर्ति की। दोनों साथी रोजाना 250 से 300 परिवारों को फल और सब्जियां पहुंचा रहे थे। बिना बिचौलिए के सीधे उपभोक्ताओं को अपना सामान बेचने का ये बेहतरीन उदाहरण है। इससे किसानों को खुद उद्यमी बनने का मौका मिला और उपभोक्ताओं को भी किफायती दामों पर खाने पीने का सामान मिलने लगा।
मुकेश और शिव का FPO रोजाना 13 से 15 क्विंटल के बीच ताजे फल और सब्जियां खरीद रहा है। इनकी खरीद, मजदूरी, वाहन और दूसरे खर्च मिलाकर हर रोज उन्हें 28,500 रुपए से लेकर 33,700 रुपए खर्च करने पड़ रहे थे, जिससे उन्हें 2,500 से लेकर 3,800 रुपए तक की शुद्ध आय मिल रही थी। बल्कि वो किसानों को उनके खेत पर ही उपज का लाभकारी मूल्य देने के अलावा गांव के 10 युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध करा रहे थे। इनकी कामयाबी की दास्तान सुनकर लखनऊ जिले के और भी कई गांवों के लोग FPO बनाने के लिए आगे आ रहे हैं। तो अभी आपने देखा सेगमेंट विज्ञान और किसान। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे और एक नजर डालते हैं कृषि कैलेंडर पर। जानते हैं वर्तमान समय में कौन कौन से कृषि कार्य अभी आपने अपने खेतों में करने हैं। रबी की कटाई के बाद खाली खेतों में मृदा उर्वरता वृद्धि के लिए हरी खाद वाली फसलें बोएं। हरी खाद के लिए मुख्य रूप से दलहनी फसलें उगाई जाती हैं। दलहनी फसलें मृदा की भौतिक दशा को सुधारने के अलावा उसमें जीवांश पदार्थ की मात्रा भी बढ़ाती हैं। हरी खाद के प्रयोग से अगली फसल में उर्वरक की कम आवश्यकता होती है। हरी खाद की फसलों में ढेंचा, सनई, लोबिया तथा ग्वार आदि मुख्य रूप से शामिल हैं। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हूँ, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ, ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग इन करें किसान.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। किसान भाइयों बहनों, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे सफल किसान से जिन्होंने खेती किसानी के क्षेत्र में अपना योगदान दिया, दूसरे किसानों के लिए मिसाल बने और इसके लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आइए देखते हैं उनकी सफलता की ये कहानी। प्रेमचंद शर्मा का जन्म वर्ष 1957 में देहरादून जनपद से सटे जनजातीय बहुल्य क्षेत्र जोनसार बाबर के चकराता ब्लॉक के सीमांत गांव अटाल में एक किसान परिवार में हुआ था। पांचवी कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रेमचंद को खेती किसानी में विरासत में मिली थी। बचपन से ही प्रेमचंद शर्मा अपने पिता के साथ खेती बाड़ी से जुड़ गए और उनसे खेती किसानी के गुर सीखने लगे। पिता के निधन के बाद खेती बाड़ी का पूरा बोझ उन्हीं के कंधों पर आ गया। परंपरागत खेती में लागत के मुताबिक लाभ ना होते देख उन्होंने नए प्रयोग करने का निर्णय लिया। इसकी शुरुआत उन्होंने 1994 में अनार की जैविक खेती से की। सफलता मिली तो इन्होंने अपने क्षेत्र के अन्य किसानों को भी जैविक खेती के लिए प्रेरित किया। इसी क्रम में वर्ष 2000 में उन्होंने अनार के उन्नत किस्म के 1.5 लाख पौधों की नर्सरी तैयार की। यह पौध उन्होंने जोनसार बाबर व पड़ोसी राज्य हिमाचल के करीब 350 कृषकों को वितरित की। अनार की खेती के गुर सीखने के लिए वह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, जलगांव के साथ ही महाराष्ट्र और कर्नाटक तक गए। वर्ष 2013 में प्रेमचंद ने देवघार खत के सेज तरानु और अटाल पंचायत से जुड़े। इन्होंने करीब 200 कृषकों को एकत्रित कर फल और सब्जी उत्पादक समिति का गठन किया। इसके साथ ही ग्राम स्तर पर कृषि सेवा केंद्र की शुरुआत कर क्षेत्र में खेती बागवानी के विकास में अहम भूमिका भी निभाई। प्रेमचंद शर्मा को खेती में सफल योगदान के लिए कई सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। वर्ष 2012 में उत्तराखंड सरकार की ओर से किसान भूषण, वर्ष
2014 में इंडियन एसोसिएशन ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन की तरफ से किसान सम्मान, भारतीय कृषि अनुसंधान की ओर से किसान सम्मान, वर्ष 2015 में कृषक सम्राट सम्मान, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान से विशेष उपलब्धि सम्मान, वर्ष 2015 में गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंत नगर से प्रगतिशील कृषि सम्मान, वर्ष 2016 में स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से उत्तराखंड विस्मृत नायक सम्मान, वर्ष 2018 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से जगजीवन राम किसान पुरस्कार और सामाजिक संस्था की तरफ से जसोदा नवीनी सम्मान और अब 2021 में भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। करीब 3 दशक से खेती बागवानी से जुड़े प्रेमचंद ने जौनसार बाबर में किसानों को आय बढ़ाने के लिए नकदी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। उनकी इस पहल से सीमांत क्षेत्र के सैकड़ों किसान नकदी फसलों का उत्पादन कर अपनी आर्थिक स्थिति संवारने लगे। इसके साथ ही उन्होंने अपने क्षेत्र के किसानों को जैविक खेती का रास्ता दिखाया, साथ ही प्रगतिशील किसानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बने। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। किसान भाइयों गांठ बांध लो बहुत बहुत है काम की समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर रास को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, तभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसान भाइयों बहनों, पूर्ण रूप से जैविक खेती को अपनाकर आप फसलों का अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और पर्यावरण को भी बचाने में अपना योगदान दे सकते हैं। जैविक खेती को लेकर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी ने क्या कुछ कहा, आइए बताते हैं। राजनेश चंद्र सिंह करके ये किसान हैं, उन्होंने किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके ज़मीन लीज पर लेकर ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का एक बहुत बड़ा उपक्रम उन्होंने कर रखा है, वो मुझे मिल गए। तो आज हमारे किसान नेता मस्त जी, हमारे विधायक प्रेम सागर जी, हमारे सचिव श्री और कई गणमान्य जो लोग अभी उपस्थित रह पाए हैं, कुछ संसद के चलते हमारे मित्र आने वाले थे वो अभी नहीं आए हैं, मगर ये किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके खेती से क्या पका सकता है, कैसे पका सकता है और खेती को कैसे फायदेमंद कर सकता है, उनका एक अनुपम उदाहरण आपके सामने है। मैं राजनेश चंद्र सिंह सिवान बिहार से रहने वाला हूँ। मैं एक पूर्व में मर्चेंट नेवी ऑफिसर था, लेकिन 2015 से मैं सोचा कुछ स्टार्टअप करने का। अपने भारत सरकार की माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना थी किसानों की आमदनी कैसे दुगुनी की जाए, इसको मैंने चैलेंज मानते हुए उस पर काम करने की कोशिश की, उसकी कमियां ढूंढी। उसके बाद हमने यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में कुछ प्रगतिशील किसान हैं जो यहाँ भी उपस्थित हैं, इन लोगों के साथ जुड़ करके
हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत ये हेल्दी हार्ट ट्रेडमार्क के अंदर से, हेल्दी हार्ट ट्रेडमार्क के नाम से हमने अपना उपक्रम चालू किया। और आज के डेट में हम लोग 250 बीघे के एक फार्म में यहाँ पे दादरी के पास ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, जहाँ पे 100% केमिकल फ्री और पेस्टिसाइड फ्री प्राकृतिक खेती होती है। यहाँ गौतम बुद्ध नगर में हमारे साथ 100 से ज़्यादा किसान जुड़े हुए हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू ऑर्गेनिक उत्पाद को ओलो उत्पादित कर रहे हैं। और ये आपको जान के खुशी होगी कि आज के रेट में हम लोगों ने जो जो भी किसान के प्रोडक्ट हैं उनको मंडी के भाव से 3 गुना तक उनको मूल्य दे रहे हैं। उसका कंसेप्ट हमने ये अपनाया है कि हमने जो हेल्दी हार्ट ई कॉमर्स पोर्टल है उस पर फार्मर की जो प्रोडक्ट होती है उसको हम लोग डायरेक्ट डिस्प्ले कर देते हैं अपने पोर्टल पे। जो कंज्यूमर से पैसा मिलता है, हम लोग उस प्रोडक्ट को ख़रीदते नहीं हैं, जो कंज्यूमर से पैसा मिलता है उस पैसे का ट्रांसपोर्टेशन एंड पैकिंग जो खर्च होता है उसको निकाल के डायरेक्ट फार्मर को ट्रांसफ़र करते हैं। और यही कारण है कि हमने मिडिल मैन को माइनस किया, डायरेक्ट फार्मर के प्रोडक्ट को प्लेटफॉर्म दिया और आज किसान को उसके तहत 3 गुने, किसी किसी प्रोडक्ट में तो हमने अभी 4 गुने तक उनको उत्पाद का मूल्य दिया। जैविक खेती के संबंध में बीरेंद्र सिंह मस्त जी ने भी क्या कुछ कहा, आइए बताते हैं। दरअसल ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के कई योजनाएं चल रही हैं, उसके बारे में कुछ मैं कह के अपनी बात पूरे करूंगा। हमारे भाई कृषि मंत्री रूपाला जी यहाँ उपस्थित हैं, उनके सामने इस बात को। भारत सरकार ने ऐतिहासिक फैसला किया है किसानों से गोबर खरीदने के लिए। हर गांव में किसानों का गोबर खरीदा जाएगा और सरकार पैसा देगी। पहले भी गोबर के खाद पर सब्सिडी मिलते थे, गड्ढा खोदकर 10 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा, 1.5 फीट लगा, लेकिन उस योजना को सीधे गोबर खरीद में परिवर्तन किया है। हमने स्टैंडिंग कमेटी में अपने सरसम्मत से पास करके भारत सरकार ने उसको स्वीकार किया। गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में ऑर्गेनिक खेती करने की कैबिनेट ने पास किया है, उसमें किसानों को सरकार सुविधा भी देगी। और इस तरह की ऑर्गेनिक खेती जैसे हमारे ये किसान ये कर रहे हैं, ये भारत दुनिया का प्राकृतिक खेती का केंद्र बनेगा, क्योंकि प्रकृति ने जितना भारत को दिया है दूसरे देश को नहीं दिया। कोविड के महामारी ने ये फैसला कर दिया है पूरे दुनिया के लिए कि प्रकृति से जीवन को जोड़ के रखेंगे तभी जीवन बच सकता है। और प्राकृतिक खेती के द्वारा पैदा किया गया ही उत्पादन जीवन को बचा सकता है कोविड के इस महामारी में। सब लोग इस बात को, दुनिया के लोग महसूस कर सके। बात होती है तो उनकी खूबसूरती का जिक्र होता है, हालांकि कुछ फूलों का औषधीय इस्तेमाल भी है, लेकिन आज हम ऐसे फूल की बात करने वाले हैं जिसके अनेकों इस्तेमाल हैं। और ये फूल है बोगनविलिया, जिसे बोगनविलिया एक फ्रांस के नेविगेटर थे जिन्होंने पूरी दुनिया में इसे फैलाया है। इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एस एस सिंधु जी, जो कि अध्यक्ष हैं पुष्प विज्ञान संभाग पूसा नई दिल्ली में। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे बोगनविलिया से हमारे किसान अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सिंधु जी आपका कार्यक्रम। बहुत धन्यवाद अंजू। जैसे कि आपने बताया कि बोगनविलिया बहुत ही एक सुंदर फूल है और उसके वैसे पौधा तो ये एक है लेकिन इसके उपयोग अनेक हैं। तो आप इसको गमले में लगा सकते हैं, आप इसको बोनसाई बना सकते हैं, आप इसकी बाउंड्री वॉल कर सकते हैं, आप अपने खेत के चारों तरफ लगा करके इवन कि यहाँ तक कि नील गाय से इसकी प्रोटेक्शन पा सकते हैं, इसका पेड़ बना सकते हैं, इसकी आप बोनसाई बनाएँ, इसको आप परगोला पे लगाएं, तो इसके उपयोग बहुत सारे हैं। और
जहाँ तक है फूल की बात, ये फूल पूरे वर्ष देता है, सिर्फ ये दिसंबर और जनवरी के महीने को छोड़ करके पूरे 10 महीने ये फूल पे रहता है। और अभी आप देख रहे हैं इसके फूलों की छटा खिली हुई है जी। सिंधु साहब ये बताइए कि जैसे हम बोगनविलिया की बात करते हैं तो अन्य फूलों की तरह इसको अभी तक उतना महत्व नहीं दिया जाता था, लोगों की यही सोच बनी हुई है कि ये तो कहीं भी उग जाता है, तो क्या लगता है कि अब तस्वीर बदल रही है और इससे आय में वृद्धि भी हो सकती है किसान? ऐसा नहीं है, इसकी तस्वीर बदली है और पिछले 10 सालों से दिल्ली में इसकी काफ़ी हमने रोपाई भी की। आप देखते हैं कि रोड डिवाइडर पे, ग्रीन बेल्ट में, मेट्रो स्टेशन, मेट्रो पिलर के नीचे बोगनविलिया जगह जगह पे लगा हुआ है और अब लोगों को इसके उपयोग और इसकी महत्वता समझ में आ गई है, क्योंकि पानी की बहुत ही किल्लत है हमारे देश में, मिट्टी खारी है, मिट्टी ख़राब है, वहाँ पे भी आसानी से हो जाता है, कम पानी इसको आवश्यकता रहती है। इसके नए गमले बना करके बहुत सारे किसान या बहुत सारे नर्सरी वाले लोग इससे नए पौधे बेच करके इससे आमदनी का भी एक जरिया इन्होंने निकाला है। और इसको आप भिन्न भिन्न मौसम में उगा सकते हैं और इसका जो सौंदर्यकरण है वो बाकी फूलों से बहुत अधिक है, क्योंकि ये पूरे वर्ष फूल देता है। अभी आप देख रहे हैं कि सारे गमले बिल्कुल फूल पे हैं और इसमें बहुत सारी प्रजातियां भी हैं। और हमारा खास करके पूसा संस्थान, जहां पे मैं यहां पे अध्यक्ष के पद पे पिछले 6 वर्ष से काम कर रहा हूं और हम बोगनविलिया से जुड़े हुए हैं और मैं इस प्रोजेक्ट का PI भी हूँ, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर भी हूँ, और ये हमारा पूसा संस्थान एक इंटरनेशनल सेंटर फॉर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी बोगनविलिया के नाम से नामित भी है 2009 से, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी UK लंदन से। तो पूरी दुनिया में जितनी भी बोगनविलिया की किस्में, चाहे वो चाइना से निकले, मलेशिया से, सिंगापुर से, थाईलैंड से, या यहाँ तक कि किसी भी विश्व के कोने से निकले, तो हमारे यहाँ पे रजिस्टर्ड होती हैं। इस समय हमारी जो चेकलिस्ट है वो लगभग 350-360 किस्मों को समायोजित किए हुए हैं और उस चेकलिस्ट में उन सारी किस्मों का विवरण है कि कहाँ से निकली, कैसे निकली, कब निकली। यदि मैं अपने भारतवर्ष की ही बात करूँ तो IRI जो है वो वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट है बोगनविलिया के क्षेत्र में भी और बाकी अन्य कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में भी और शिक्षा के क्षेत्र में भी। और मेरे हाथ में जो ये अभी मैं ये एक फूलों की पूरी ये ब्रांच है, मैं जानना चाहूँगी कि ये कौन सी, क्योंकि बहुत, हाँ, ये सिंगापुर रेड के नाम से जानते हैं और ये बहुत अच्छी है और आप देखते हैं कि दो रंग है, हाँ, इसमें दो हैं, तो ये इसमें कांटा भी होता है, कुछ ऐसे भी हैं जो कांटा रहित हैं तो उसमें कांटा नहीं होता। लेडी हडसन है हमारे पास, एक किस्म है रिफल्जन है, उसमें कांटा नहीं होता। तो इस तरह से ये सिंगल ब्रैकेट है, इसमें डबल ब्रैकेट्स भी आते हैं। और ब्रैकेट का क्या मतलब होता है? सिंगल, ये सिंगल ब्रैकेट है, आप देख रहे हैं कि एक 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 इसमें आपका ये जो ब्रैकेट है ये एक है, सिंगल है, इधर ये डबल है, मतलब एक में एक ही कली है इसमें, हाँ, एक ही फूल है, इसमें डबल गुच्छे में भी हो जाता है तो उसको हम डबल बोलते हैं। तो इस तरह से भिन्न भिन्न किस्में हैं और इनको आप समय समय पे इनका रख रखाव रख सकते हैं, आप सुंदरता में योगदान दे सकते हैं और यहाँ तक कि हमारा जो वातावरण है उसको भी शुद्ध रखने में मदद करता है। आप देखते हैं कि रोड डिवाइडर पे, रोड साइड पे कितना व्हीकल चलता है, रोड पे पोल्यूशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, पूरा का पूरा डस्ट इसकी पत्तियों पर आ जाता है, तो वो डस्ट कहीं ना कहीं तो जाता है ना। यदि वहाँ पे ये पौधे ना लगे हों तो वही डस्ट हम और आप जब रोड पे चलते हैं तो हमें खाना पड़ता है, तो पौधे अपने ऊपर ले लेते हैं, लीफ पे डिपोजिशन हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि भाई ये पोल्यूशन के लिए प्रोटेक्टर है, बोगनविलिया लगाओ, या अन्य और भी पौधे बहुत सारे हैं, कनेर है, हिबिस्कस है, तो बहुत सारे अन्य पौधे भी हैं जो कि रोड डिवाइडर पे लगाए जाते हैं, बट बोगनविलिया इनमें से एक बहुत ही अहम है जो पिछले 10 सालों से दिल्ली और NCR के क्षेत्र में काफ़ी इसको लगाया गया है और काफ़ी लोगों ने इसको सराहा भी है। इसी के साथ ही आपको हम छोड़े जाते हैं इन खूबसूरत नज़ारों के साथ। ये पूरा बाग है बोगनविलिया का, जहाँ पर बहुत तरह के, यहाँ पर आप बोगनविलिया की वैरायटी देख सकते हैं। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे, आपको एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के संबंध में देते हैं कुछ खास जानकारियां। कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है।
सरकार कटाई उपरांत प्रबंधन तंत्र को मजबूत कर रही है। इसके लिए लॉकडाउन के दौरान वित्त मंत्री ने 1,00,000 करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष का ऐलान किया था। ये रकम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण के तौर पर दी जानी है। आम किसानों के अलावा प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी, विपणन सहकारिता सोसाइटी, कृषि उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, बहुउद्देशीय सहकारिता सोसाइटी, कृषि उद्यम और स्टार्टअप इसके माध्यम से ऋण ले सकते हैं। 2 करोड़ तक के कर्ज पर ब्याज में 3% तक की छूट का प्रावधान किया गया है। ये योजना फिलहाल 10 साल के लिए है, यानी 2020-21 से 2029-30 तक। 1,00,000 करोड़ की रकम 4 साल में जारी की जाएगी। पहले साल 10,000 करोड़ रुपए और फिर अगले 3 वित्तीय वर्षों में 30,000 करोड़। भारत की 58% जनसंख्या की रोजी रोटी का दारोमदार कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों पर है। ज्यादातर किसानों की सालाना आय बहुत कम है। कटाई उपरांत सही बुनियादी ढांचा न होने की वजह से 15-20% उपज बर्बाद हो जाती है, जबकि दूसरे देशों में यह आंकड़ा 5-15% है। कृषि अवसंरचना कोष का उद्देश्य ऐसे ढांचे का विकास करना है जिसमें किसान अपनी उपज बिना बिचौलिए के सीधे बेच सके और कटाई के उपरांत उनकी फसल में बर्बादी भी कम हो। इससे निश्चित तौर पर उनकी आमदनी बढ़ेगी। कृषि अवसंरचना कोष ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीत गृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होना है। साथ ही प्रसंस्करण इकाइयां भी इसका लाभ उठा सकती हैं। प्रसंस्करण से फसलों का मूल्यवर्धन होगा और भंडार गृहों के निर्माण से किसान को अपनी फसल रोक कर रखने में मदद मिलेगी। फसल को रोकने का फायदा ये होगा कि बाजार में जब भी बेहतर भाव होगा तब वो फसल बेच सकेंगे। किसान भाइयों बहनों, अब खेती किसानी से जुड़ी तमाम जानकारियां आप अपने मोबाइल में ही हासिल कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी ही मोबाइल ऐप के बारे में जिसमें आप खेती से जुड़ी तमाम जानकारियों का लाभ ले सकते हैं। किसान रथ मोबाइल ऐप देश भर के किसानों और व्यापारियों को कृषि उत्पाद के परिवहन के लिए उन्हें परिवहनकर्ताओं से जोड़कर सुविधा प्रदान करता है। एप्लीकेशन को आसान तरीके से आवश्यक तिथि और स्थान पर परिवहन वाहनों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। इसके लिए प्रमुख परिवहन एग्रीगेटर्स और व्यक्तिगत ट्रांसपोर्टरों के साथ इंटरफेस का काम करता है। ऐप ट्रांसपोर्टर्स को अपने वाहनों को पंजीकृत करने और किसानों और व्यापारियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए एक सुविधा भी प्रदान करता है। किसान और व्यापारी अपनी पोस्ट किए गए कंटेंट की प्रतिक्रियाओं को देख सकते हैं। इसके अलावा सौदे को अंतिम रूप देने के लिए ट्रांसपोर्टरों के साथ बातचीत भी कर सकते हैं। यात्रा पूरी होने के बाद ट्रांसपोर्टर के लिए एक रेटिंग प्रदान कर सकते हैं। ये ऐप उपयोगकर्ताओं या किसानों को ट्रांसपोर्टर से जोड़ने के लिए एक सुविधा प्रदान करता है। तो किसान भाइयों बहनों, कृषि दर्शन में आज केवल इतना ही। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है krishidarshandk@gmail.com। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।